नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ऊपरी व्यय भाग प्रथम वितरण। इस चैप्टर में हम ऊपरी व्ययों को यानी कि अप्रत्यक्ष खर्चों को किस प्रकार से अलग अलग विभागों में, अलग अलग लागत केंद्रों पर या फिर अलग अलग उत्पादों पर वितरण किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऊपरी व्यय से हमारा तात्पर्य है अप्रत्यक्ष खर्चों से। अप्रत्यक्ष खर्चे वस्तु के उत्पादन से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं और अप्रत्यक्ष खर्चों में अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष मजदूरी और अप्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। जो खर्चे वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं वो वे प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं और वो प्राइम कॉस्ट, वो वस्तु की मूल लागत कहलाती है। जैसे प्रत्यक्ष सामग्री है, प्रत्यक्ष श्रम है और प्रत्यक्ष व्यय है। ये वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं और इन खर्चों को वस्तु पर वस्तु की लागत में शामिल करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती, किसी प्रकार के आवंटन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। प्रत्यक्ष सामग्री ऐसी सामग्री जो वस्तु के उत्पादन में काम में ली गई है और उस वस्तु का वो अंग बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर लकड़ी के द्वारा कोई फर्नीचर तैयार किया जाता है तो जो लकड़ी है वो उस फर्नीचर का अंग बन जाएगी और वो फर्नीचर जो है लकड़ी का फर्नीचर कहलाएगा। इसी प्रकार उस फर्नीचर को बनाने के लिए जो मजदूर लगे हुए हैं, जो उस फर्नीचर को बना रहे हैं और उस फर्नीचर के निर्माण से जो सीधे संबंधित मजदूर हैं उनको चुकाई जाने वाली मजदूरी प्रत्यक्ष मजदूरी या प्रत्यक्ष श्रम कहलाता है। तो उस मजदूरी के आवंटन की समस्या भी पैदा नहीं होती क्योंकि वो उसकी लागत ज्ञात करना आसान होता है उस वस्तु के लिए। इसी प्रकार से जो कोई अन्य प्रत्यक्ष व्यय किए जाते हैं वस्तु के निर्माण में, वे सीधे के सीधे वस्तु की लागत में शामिल कर लिए जाते हैं। लेकिन जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, जो ऊपरी व्यय हैं, उनके आवंटन की, उनके वितरण की समस्या उत्पन्न होती है। तो जो ऊपरी व्ययों का किस प्रकार से वितरण किया जाता है, ऊपरी व्ययों के वितरण की क्या विधियां हैं, वो हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ऊपरी व्यय के दो भाग हैं, भाग प्रथम और भाग द्वितीय। तो जो ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है, इन दोनों में हम किस प्रकार से ऊपरी व्ययों का अलग अलग विभागों में अलग अलग उत्पादों पर वितरण किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और कौन कौन से वितरण की, अवशोषण की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है, एक्स कारखाने के प्रबंधकों ने लागत लेखा विभाग को 30,000 इकाइयों की लागत ज्ञात करने को कहा है। एक कारखाना है एक्स कारखाना, जिसके प्रबंधकों ने लागत लेखा विभाग को 30,000 इकाइयों की लागत ज्ञात करने को कहा है। 20,000 इकाइयों का लागत विश्लेषण निम्न परिणाम प्रकट करता है और इनके पास 20,000 इकाइयों के संबंध में आंकड़े हैं। 20,000 इकाइयों की लागत के आंकड़े इनके पास है और 30,000 इकाइयों की लागत ज्ञात करने के लिए कहा है। मटेरियल कॉस्ट, जो डायरेक्ट मटेरियल है, जो प्रत्यक्ष सामग्री है, उसकी लागत दी गई है 45,000 रुपए की। अगर 20,000 इकाइयों का निर्माण किया जाता है तो जो मटेरियल की कॉस्ट है वो आती है 45,000 रुपए की। लेबर कॉस्ट दी गई है 25,000 रुपए की। डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं 5,000 रुपए के। फैक्ट्री ओवरहेड है 10,000 रुपए के। फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि जो कारखाने में जो अप्रत्यक्ष खर्चे हो रहे हैं वो 10,000 रुपए के हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं 8,000 रुपए के। जो प्रशासन से के संबंध में जो खर्चे हैं वो हैं 8,000 रुपए के। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो विक्रय एवं वितरण के संबंध में जो अप्रत्यक्ष खर्चे हो रहे हैं, जो ऊपरी व्यय हो रहे हैं, वे हैं 4,000 रुपए के। यानी कि ये जो ओवरहेड्स हैं ये अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और ये जो मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं ये प्रत्यक्ष व्यय हैं। इस संबंध में अन्य विवरण निम्न है। और इस संबंध में जो 30,000 इकाइयों की लागत हमको ज्ञात करनी है, लागत लेखा विभाग को ज्ञात करनी है, उस संबंध में कुछ निम्न विवरण दिए गए हैं अन्य। ए, सामग्री की लागत में 10%। अब जब 20,000 इकाइयों का लागत विश्लेषण है, लागत के संबंध में आंकड़े हैं, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जब 30,000 इकाइयों की लागत आप ज्ञात करोगे तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि सामग्री की लागत में 10% तथा श्रम की लागत में 5% वृद्धि अपेक्षित है। जब आप 30,000 इकाइयों की लागत ज्ञात करने जाओगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि 20,000 इकाइयों के लिए जो सामग्री की लागत आई है, अब उस सामग्री की लागत में जब आप 30,000 इकाइयों का उत्पादन करोगे तो सामग्री की लागत में 10% तथा श्रम की लागत में 5% की वृद्धि एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है। कारखाना उपरिव्यों के बारे में कहा गया है, जो कारखाने में अप्रत्यक्ष खर्चे हो रहे हैं, जो वस्तु के
उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं है, लेकिन वस्तु के उत्पादन की वजह से ही ये खर्चे हो रहे हैं कारखाने में, तो इनके बारे में कहा गया है कि कारखाना उपरिव्यय का 70% भाग स्थिर है एवं 30% परिवर्तनशील है। स्थिर खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर उत्पादन शून्य है तो भी वो खर्चे होंगे, और अगर उत्पादन का स्तर जो भी हो, अगर उत्पादन अपने 100% क्षमता पर भी हो रहा है कारखाने में, तो भी वे खर्चे स्थिर ही रहेंगे, उन खर्चों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तनशील वे ऐसे होते हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटते बढ़ते हैं। अगर उत्पादन की मात्रा कम कर दी जाए तो परिवर्तनशील वे कम हो जाएंगे, अगर उत्पादन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वो परिवर्तनशील वे बढ़ा दिए जाएंगे। तो परिवर्तनशील व्ययों में भी कुछ पूर्ण परिवर्तनशील होते हैं, कुछ अर्ध परिवर्तनशील होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम ये मानेंगे कि ये जो परिवर्तनशील व्यय हैं ये पूर्ण परिवर्तनशील हैं। तो कारखाना उपरिव्यय का 70% भाग स्थिर है और 30% भाग परिवर्तनशील है। अब अगर हम बात करें, ये जो लागत विश्लेषण दिया गया है, इसमें जो मटेरियल कॉस्ट है, जो लेबर कॉस्ट है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट है, ये भी परिवर्तनशील खर्चे हैं। जो मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल जो वस्तु के उत्पादन में काम में आता है, जो मुख्य सामग्री होती है, अगर उत्पादन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो डायरेक्ट मटेरियल में भी जो सामग्री, जो कच्चा माल काम में आता है वस्तु के उत्पादन में, उसकी लागत में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो भी ज्यादा मात्रा में उसकी आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से जब ज्यादा उत्पादन किया जाएगा वस्तुओं का, तो जो है श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, या फिर ज्यादा अधिक संख्या में श्रमिक लगाए जाएंगे तो श्रमिकों की लागत में भी वृद्धि होगी। तो जो लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वो भी परिवर्तनशील खर्चा है, और इसी प्रकार डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी परिवर्तनशील वे हैं। तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटते बढ़ते हैं। जो प्राइम कॉस्ट का जो हिस्सा है, ये प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, ये परिवर्तनशील होते हैं, उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटते बढ़ते हैं और पूर्ण परिवर्तनशील माने जाते हैं। अब बात करते हैं कारखाना उपरिव्यों की। तो कारखाना उपरिव्यों में कुछ भाग स्थिर होता है, कुछ भाग परिवर्तनशील होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के संबंध में यहां लिखा गया है कि कारखाना उपरिव्यय का 70% भाग स्थिर है, फिक्स है, और 30% भाग परिवर्तनशील है, वेरिएबल है। आगे लिखा है प्रशासकीय उपरिव्यों में। अब जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, इनमें भी कुछ भाग स्थिर होता है, फिक्स्ड होते हैं, और कुछ खर्चे जो है वेरिएबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो प्रशासकीय उपरिव्यों में स्थिर एवं परिवर्तनशील व्ययों का अनुपात 60:40 है, यानी 60% भाग तो स्थिर है और 40% भाग परिवर्तनशील है। डी पॉइंट कह रहा है कि विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय की आधी रकमें स्थिर है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो विक्रय वितरण के संबंध में खर्चे हैं जो हुए हैं, उनमें से आधे खर्चे तो स्थिर प्रकृति के हैं, जो फिक्स रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और आधे खर्चे उत्पादन की मात्रा के साथ साथ या विक्रय की मात्रा के साथ साथ घटते बढ़ते हैं। तो आधे खर्चे, 50% खर्चे परिवर्तनशील हैं। प्रबंधक विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाना चाहता है। तो जो भी विक्रय मूल्य हो, माना कि 100 रुपये विक्रय मूल्य है, तो 100 का 25% 25 रुपये वो लाभ कमाना चाहता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको लागत ज्ञात करनी है, लागत ज्ञात करके उसमें लाभ जोड़कर हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लागत के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं, और कुछ इनके बारे में कहा भी गया है कि लागत में कितनी वृद्धि होगी, और फिर कितना भाग स्थिर है, कितना भाग परिवर्तनशील है। तो इन आंकड़ों के आधार पर, इन सूचनाओं के आधार पर हमको 30,000 इकाइयों की लागत ज्ञात करनी है, और 20,000 इकाइयों के संबंध में लागत के आंकड़े दिए गए हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड, हमको लागत और विक्रय मूल्य दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, सबसे पहला जो लागत का अंग है, जो खर्चा है, वो है मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 45,000 रुपए की। ये 45,000 रुपए की कॉस्ट है 20,000 इकाइयों के उत्पादन पर। और हमने बात की थी कि जो मटेरियल कॉस्ट है, जो कच्ची सामग्री है, वो परिवर्तनशील खर्चा है। तो मटेरियल कॉस्ट पूर्णतया परिवर्तनशील वे हैं। तो
अगर 45,000 रुपए की कॉस्ट आती है 20,000 इकाइयों के उत्पादन पर, ये जो आंकड़े दिए गए हैं 20,000 इकाइयों के संबंध में है, तो अगर 20,000 इकाइयों के लिए मटेरियल की कॉस्ट आती है 45,000 रुपए की, तो 30,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए हमको ज्ञात करना है। तो 30,000 इकाइयों के लिए मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी, यह पूर्णतया परिवर्तनशील खर्चा है। तो हम 45,000 में 20,000 का भाग लगा देंगे और 30,000 से गुणा करेंगे तो 67,500 रुपए। 45,000 रुपए सामग्री की लागत आती है 20,000 इकाइयों के उत्पादन में, अगर 30,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो सामग्री की लागत आएगी 67,500 रुपए की। अब ये जो सामग्री की लागत है इसमें 10% वृद्धि होने की संभावना है। क्वेश्चन लिखा है कि सामग्री लागत में 10% वृद्धि अपेक्षित है, तो इसमें 10% और ऐड करना पड़ेगा, 10% इंक्रीज। तो 67,500 का 10%, 6,750 हमको ऐड करना पड़ेगा। तो जो 30,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा तो मटेरियल कॉस्ट आएगी 67,500, तो जो है मटेरियल कॉस्ट होगी 30,000 इकाइयों के लिए, लेकिन उसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी 6,750 रुपए की, तो कुल मिलाकर 74,250 रुपए, 74,250 रुपीज जो है मटेरियल की कॉस्ट होगी। इसी प्रकार डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी पूर्णतया परिवर्तनशील खर्चा है। तो 25,000 रुपए की लेबर कॉस्ट दी गई है, 25,000 रुपए मजदूरी चुकाई जाती है 20,000 इकाइयों के उत्पादन में, तो 30,000 इकाइयों के उत्पादन में कितनी मजदूरी चुकाई जाएगी, तो 25,000 को 20,000 से डिवाइड करके 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,500 रुपए आते हैं। अगर मजदूरी की दर वही रहती जो 20,000 इकाइयों के लिए थी तो 37,500 रुपए की लागत होती, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि श्रम की लागत में 5% वृद्धि अपेक्षित है, तो 5% वृद्धि अपेक्षित है तो 5% इसमें इंक्रीज कर दिया जाएगा, एड 5% इंक्रीज इन कॉस्ट। तो 37,500 का 5% और ऐड कर देंगे, 1,875 रुपए। तो 37,500 में 1,875 रुपए ऐड किए तो 39,375 रुपए। तो जो 30,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए लेबर कॉस्ट आएगी वो आएगी 39,375 रुपए की। डायरेक्ट एक्सपेंसेज है 5,000 रुपए के 20,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए, तो 30,000 इकाइयों के उत्पादन पर डायरेक्ट एक्सपेंसेज कितने होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी पूर्णतया परिवर्तनशील वे हैं, उत्पादन की मात्रा के साथ साथ उसी अनुपात में घटते बढ़ते हैं। तो 5,000 में 20,000 का भाग लगाकर 30,000 से गुणा करेंगे तो 7,500 रुपए। अब हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे इसमें, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का कुछ भाग स्थिर है और कुछ भाग परिवर्तनशील है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 20,000 इकाइयों के उत्पादन पर फैक्ट्री ओवरहेड थे 10,000 रुपए के, तो कारखाना उपरिव्यय का 70% भाग स्थिर है, तो जो फिक्स्ड है स्थिर भाग है वो है 70%। तो 10,000 का 70%, 10,000 खर्चे हुए थे 20,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए, तो 10,000 का 70% तो स्थिर है, तो 10,000 का 70% है 7,000 रुपए, और 30% जो है वो वेरिएबल है, तो 10,000 का 30% वेरिएबल है, यानी उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटता बढ़ता है। तो 10,000 का 30%, 3,000 रुपए वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड थे 20,000 इकाइयों के उत्पादन पर, तो 30,000 इकाइयों के उत्पादन पर कितने होंगे,
10,000 के कुल कारखाना उपरी हुए थे 20,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए। उस 10,000 में से 7,000 तो स्थिर हैं, यानी कि 7,000 तो चाहे 20,000 इकाइयों का उत्पादन हो या 30,000 इकाइयों का उत्पादन हो या इससे भी ज्यादा हो, 7,000 के खर्चे तो होंगे होंगे, वो फिक्स रहेंगे। तो 10,000 में से 7,000 के खर्चे तो स्थिर हैं, इन खर्चों पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 30,000 इकाइयों का उत्पादन हो चाहे 20,000 इकाइयों का उत्पादन हो, ये खर्चे तो 7,000 के होंगे ही होंगे। और इस 10,000 में से 30% परिवर्तनशील थे, तो 10,000 का 30% 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये के फैक्ट्री ओवरहेड परिवर्तनशील थे, लेकिन वो 20,000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे थे। तो 30,000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे कितने होंगे, तो इसको हल करें तो ये आता है 4,500 रुपये। तो 10,000 का 30% यानी कि 20,000 इकाइयों के उत्पादन पर 3,000 रुपये के वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड थे, लेकिन अगर 30,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड होंगे 4,500 रुपए के। यह है 11,500 रुपए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल दो भाग हैं इसके। फिक्स्ड है कारखाना प्रशासकीय उपरिव्यय में स्थिर एवं परिवर्तनशील व्यय का अनुपात है 60:40। तो प्रशासकीय उपरिव्यय एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 8,000 रुपए के, ये 20,000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे थे 8,000 रुपए। तो 8,000 में से 60% भाग तो स्थिर है, 8,000 का 60% हो गया 4,800 रुपए। और वेरिएबल बाकी 40% वेरिएबल है, तो 8,000 का 40% वेरिएबल है, तो 8,000 का 40% 3,200 रुपए। लेकिन ये 3,200 रुपए 20,000 इकाइयों के लिए थे, अगर 30,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो कितने खर्चे होंगे, तो 3,200 है 20,000 इकाइयों के पीछे, तो 30,000 इकाइयों के लिए वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होंगे 4,800 के। तो 9,600 रुपए के कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होंगे 30,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कहा गया कि विक्रय वितरण उपरिव्यय की आधी रकम स्थिर है, यानी कि 50% भाग स्थिर है और 50% भाग परिवर्तनशील है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो फिक्स्ड पार्ट है पचास प्रतिशत, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 4,000 रुपए के थे 20,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए, उसमें से 50% तो 2,000 रुपए स्थिर हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2,000 के खर्चे थे 20,000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे, और अब अगर 30,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो भी ये खर्चे 2,000 के होंगे। और वेरिएबल है 50%, लेकिन ये 20,000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे थे, तो 30,000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे कितने होंगे, तो अगर इसको हल कर लिया जाए तो आता है 3,000 रुपए। 5,000 रुपए जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के, इन सब का अगर टोटल कर लिया जाए, इन सब का टोटल किया जाए तो टोटल कॉस्ट आती है, इन सब का अगर टोटल किया जाए तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो टोटल कॉस्ट होगी 74,250 प्लस 39,375 प्लस 7,500 11,500 9,600 प्लस 5,000 147,225 रुपये। 147,225 रुपये ये आई है टोटल कॉस्ट।
कहा गया है क्वेश्चन में कि प्रबंधक विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाना चाहते हैं, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 30,000 इकाइयों के उत्पादन पर जो लागत आई है वो आई है 147,225 की। अब प्रबंधक विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाना चाहते हैं, तो विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास विक्रय मूल्य उपलब्ध नहीं है, हमारे पास लागत उपलब्ध है। तो विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाना चाहते हैं तो लागत पर कितना लाभ कमाना चाहते हैं वो हम ज्ञात करते हैं। माना कि विक्रय मूल्य 100 रुपए है और इसमें से हम लेस कर देंगे लाभ। लाभ है विक्रय मूल्य का 100 रुपए का, विक्रय मूल्य माना है 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य का 25% लाभ है। तो विक्रय मूल्य का 25% यहां पर हो गया 25 रुपए। तो लागत कितनी है, लागत है 75 रुपए। तो 75 रुपए लागत है, 25 रुपए लाभ कमाया जा रहा है और 100 रुपए विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाना चाहते हैं तो हमने माना कि विक्रय मूल्य 100 रुपए है और उस पर 25% लाभ कमाना चाहते हैं, तो 100 रुपए का 25% हुआ 25 रुपए। तो अगर विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दिया जाए तो जो अमाउंट प्राप्त होगा वो होगी लागत। तो 75 रुपए यहां पर लागत है, तो यानी कि ये जो है अमाउंट 147,225 ये 75 रुपए के बराबर है। तो अब लागत पर लाभ कितना प्रतिशत है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। लागत पर लाभ का प्रतिशत, लाभ बट्टे लागत इंटू 100। अब यहां पर हम देखते हैं कि लाभ कितना है, लागत पर लाभ का प्रतिशत हम ज्ञात कर लेंगे। विक्रय पर लाभ का प्रतिशत दिया गया है लेकिन हमारे पास विक्रय मूल्य नहीं है, हमारे पास लागत है, तो लागत पर लाभ का प्रतिशत हम ज्ञात कर लेते हैं। तो लाभ है 25 रुपए, लाभ है 25 रुपए, लाभ बट्टे लागत इंटू 100। तो लाभ है 25 रुपए और लागत है 75 रुपए और 100 से गुणा कर देंगे तो 25/100 इंटू 100, तो 33.33% जो है लागत पर लाभ का प्रतिशत है। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत है 25% जो प्रबंधक कमाना चाहते हैं। तो अगर विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत 25% है तो इसका मतलब हुआ कि लागत पर लाभ का प्रतिशत हो गया 33.33%। तो इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स या 33.33% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट एट द रेट 33.33%। 147,225 का 33.33% लाभ कमाया जाएगा। 147,225 का 33.33% या 1/3 कहें इसको, 1/3, 147,225 का 1/3 प्रॉफिट कमाया जाएगा। तो ये आ रहा है 49,075 रुपए, 49,075 रुपए। तो 49,075 रुपए का लाभ कमाया जाएगा, ₹147,225। तो 147,225 का 33.33% लाभ कमाया जाएगा, तो प्रॉफिट होगा 49,075 रुपए का और सेलिंग प्राइस, लागत में लाभ जोड़ दिया जाएगा तो सेलिंग प्राइस ज्ञात हो जाएगा। सेलिंग प्राइस है 147,225 रुपए का, तो 196,300 रुपए। तो इस क्वेश्चन में 30,000 इकाइयों के उत्पादन की लागत ज्ञात करने को कहा गया था, तो लागत आएगी 147,225 रुपए की और फिर विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो विक्रय मूल्य होगा 30,000 इकाइयों का 196,300 रुपए। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।